कि आज थोड़ा सा इश्क जता दूं क्या, आज थोड़ा सा इश्क जता दूं क्या, और तुम मेरे हो ये सबको बता दूं क्या। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक रोतवार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोगा जी क्लासेस पे। और आज हम लेकर के आए सभी आप सबकी फरमाइश से एक ऐसा टॉपिक जहां लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, वहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस आते हैं। आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड तक को कवर करता है वो टॉपिक, और क्वेश्चन इतना शानदार और उतनी ही या उससे थोड़ी सी ज़्यादा शानदार। मैं इस क्वेश्चन को, जिस कंटेंट को आज पढ़ने वाले हैं, उसकी एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से अपन डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है सर, आप बताओ, गैस कर सकते हैं? चलो मैं बताता हूँ, टॉपिक का नाम है व्यक्तित्व और व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, व्यक्तित्व मापन की क्या सर, विधियां। और आपको भी अच्छी तरीके से पता है व्यक्तित्व मापन की विधियां दो प्रकार की होती हैं, प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि, अगर दोनों को मैं थोड़ा सा डिसाइड इधर से मैं क्लासिफाइड कर दूं आपके सामने, एक तो प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि। अप्रक्षेपी विधि आपकी दो प्रकार की होगी, एक तो आत्मनिष्ठ और जिसे आप बोलते हो व्यक्तिनिष्ठ विधि। कौन सी विधि सर? व्यक्तिनिष्ठ, सॉरी, कौन सी विधि? व्यक्तिनिष्ठ विधि आप कहेंगे, या आत्मनिष्ठ विधि कहेंगे, या व्यक्तिनिष्ठ विधि, क्या कहेंगे सर? व्यक्तिनिष्ठ विधि, व्यक्तिनिष्ठ विधि कहेंगे। और दूसरी विधि कौन सी है आपकी? आपकी वस्तुनिष्ठ विधि। कौन सी विधि? वस्तुनिष्ठ विधि। कौन सी विधि बोल दे? चलिए सर, वस्तुनिष्ठ विधि। ओके, समझ में आ रहा है ना? पक्का आ रहा है ना? और अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आए तो समझने की कोशिश करिए सर, क्योंकि कम एक थोड़ा सा समायोजन करना पड़ेगा ना। और प्रक्षेपी विधि क्या है आपकी, बस अपन आज डिस्कस करेंगे इस प्रक्षेपी विधि की। तो इस प्रक्षेपी विधि में सबसे पहले एक शब्द आएगा प्रक्षेपण। कौन सा शब्द आएगा? प्रक्षेपण शब्द आएगा, जिस शब्द का सबसे पहला प्रयोग या प्रक्षेपण शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था आपके सिगमंड फ्राइड के द्वारा। किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। आज का हमारा टॉपिक यही है कि प्रक्षेपी विधि को हमने डिस्कस करना है। किसको डिस्कस करना है? प्रक्षेपी विधि को हमने डिस्कस करना है। और प्रक्षेपी विधि को इतने अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, शायद यूट्यूब के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई भी YouTube चैनल खोल के देख लेना, इतनी अच्छे से ट्रिक से अगर कोई और अच्छा सा समझाए तो देखेंगे, उसको भी देखेंगे। आई थिंक तो ऐसा तो अभी तक तो ऐसा कोई आया नहीं है कि YouTube में इतनी अच्छी तरीके से कोई इस विधि को कोई डिस्कस कर रहा हो। लेकिन देखते हैं फिर साहब, अपने अपने सोच होती है, हमारी उसी सोच के साथ एक छोटी सी प्यारी सी ट्रिक के साथ हम डिस्कस करेंगे आपकी प्रक्षेपी विधि। कौन सी विधि सर? प्रक्षेपी विधि। कौन सी विधि बोलते? चलिए, प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि का सबसे पहला प्रयोग या प्रक्षेपण शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? प्रक्षेपण शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था आपके सिगमंड फ्राइड ने। किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। इसका जो संबंध होता है, इसका जो संबंध होता है सर, वो होता है आपके एक मन जिसे आप अचेतन मन के नाम से जानते हो। कौन से मन से जानते हो? अचेतन मन के नाम से जानते हो, जो कुल मन का 1/9 भाग या फिर पूरे ही मन का 90% हिस्सा एक माना जाता है। 90% एक हिस्सा एक माना जाता है आपके स्वप्न विश्लेषण विधि में। सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है आपके अचेतन मन का होता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट इस प्रक्षेपी विधि को अगर थोड़ा सा इसको मैं एक बार एक लाइन में आपके सामने को एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको अगर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँ इसके साथ, तो अपन देखते हैं क्या लाइन रहेगी। कि इस तोते से, लाइन क्या है? इस तोते से कैट अच्छी। क्या अच्छी? कैट अच्छी। इस तोते से कैट अच्छी। अब उसको थोड़ा सा आपके मैसेजिंग भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे कि इस, अच्छा थोड़ा सा इधर से मैं लिखने की कोशिश करूंगा कि इस तोते से कैट अच्छी,
इस तोते से कैट अच्छी। और एक बहुत शानदार लाइन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, इस तोते से कैट अच्छी। और एक बहुत शानदार सी लाइन की हर प्यार में, किसमें सर? चेहरे खिले होंगे, हर प्यार में। अब यहाँ पे बुझेंगे, लिफाफा जलता है, हर प्यार में लिफाफा जलता है। रोने मत लग जाना मेरे प्यारे साथी, कहीं अपना बचपन, वो एक गाना सुना है ना, मेरा बचपन का प्यार है भूल मत जाना, अरे वो वाली स्थिति। और लास्ट में जो स्थिति आएगी वो ऐसी आएगी सर, देख लो कि हर प्यार में क्या है, लिफाफा जलता है। अब मैं तो नहीं कह रहा, ये ट्रिक कह रही है और ये अचेतन विधि कुछ इस तरीके से कह रही है, प्रक्षेपी विधि कह रही है। तो कब कब जला प्यार में, जो लिफाफा है ना, कब कब जला वो भी देख लेते हैं। एक तो ये लिफाफा जला था 1921 में, सबसे पहले। यहाँ से प्रारंभ तो नहीं हुआ था, बट एक डेट अगर अपन मेंशन करते चले तो कब जला था, सबसे पहले 1921 में जला था, दूसरा जला था 1930 में, तीसरा जो जला था 1935 में, यहाँ पे आप चलेंगे 1948 के अंतर्गत, कब? 1948 के अंतर्गत। और आप यहाँ पे जब चलेंगे तो 1879, कब सर? 1879 से प्रारंभ होता है, ठीक है ना। अगर छोटा सा एक डिस्कस करूँ आपके सामने, थोड़ा सा एक आपको एक कोड याद रखना है, इस अच्छी शब्द को एक शब्द से मैं यहाँ पे आपके सामने रिलेट करने की कोशिश करूंगा, FWAT। क्या? FWAT के नाम से मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अब इनके छोटे नाम देख ले हम, क्योंकि नाम जब तक आप नहीं देंगे देखेंगे आपको थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। और इस नाम देखने के लिए, इस वर्ड को, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए होगा तो इसको थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। इस आई को आपने कहा सर IBT। क्या कहा? IBT, इंक ब्लॉट टेस्ट। बारी बारी से सबका एक अच्छे से अध्ययन करेंगे, इंक ब्लॉट टेस्ट। इसको आप कहेंगे SCT, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ओके, नेक्स्ट आप तोते तक पहुंचे, जिसको आप कहेंगे TAT, थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। क्या? थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। आप इसको थोड़ा सा, आप इस चीज को आप हाइड रखेंगे। और कैट तो है ही है, CAT विधि, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, और FWAT, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हर से बना एक शब्द जिसे आप हरमन रोडसा के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? हरमन रोडसा के नाम से जानते हो। इस प्यार में से निकालो एक शब्द जिसे आप पाइन एवं टेंडलर के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? पाइन एवं टेंडलर के नाम से जानते हो। इस माँ से जुड़ा एक शब्द जिसे आप मार्गन मुर्रे के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? मार्गन एवं मुर्रे के नाम से आप जानते हो। और लिफाफा से बना एक शब्द जिसे आप लियोपाल्ड बैलक के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? लियोपाल्ड बैलक के नाम से आप सर जानते हो। और लास्ट बचा JL मोरेनो, जलता से JL मोरेनो। क्या? JL मोरेनो, JL मोरेनो। अब ये थोड़ा सा डिस्कस हुआ कि इस तोते से कैट अच्छी, आई से बना IBT, इंक ब्लॉट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण, TAT, थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, CAT, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, बाल अंतर्बोध परीक्षण, FWAT, स्वतंत्र शब्द साक्षर्य परीक्षण के नाम से आप इसे जानते हो। अगर मैं कहूँ आपसे, छोटा सा डिस्कस आपसे करूँ बेटा, तो डिस्कस करने की वाली बात यह है कि इस IVT को देने वाले हैं हरमन रोडसा। इस IVT टेस्ट को किसने दिया था? आपके हरमन रोडसा ने दिया था। इस SCT को, किसको? इस SCT को देने वाले व्यक्ति हैं आपके पाइन एवं टेंडलर। कौन? पाइन एवं टेंडलर। इस तोते, इस TAT विधि को, देने वाले व्यक्ति हैं मॉर्गन मुर्रे। और इस CAT विधि को देने वाले व्यक्ति कौन है सर? आपके लियोपाल्ड बैलक। कौन है? लियोपाल्ड बैलक। और ये FWAT विधि देने वाले व्यक्ति हैं आपके JL मोरेनो। किसने? JL मोरेनो। तो ये थोड़ी सी चीज आपको एक रिलेट करनी है, किसके जनक कौन है, क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है सर। अगर मैं बात आपकी यहाँ से आगे के मुद्दे की करूँ तो इसके कितने लिफाफे जले? तो इसके जले सर 10 लिफाफे। कितने लिफाफे जले थे? 10 लिफाफे। ये बहुत शानदार व्यक्ति था, इसने लिफाफों का प्रयोग ही नहीं किया। बोले बोले
कि हम तो सर बातों से ही कहेंगे। अब लिफाफों का क्या, वो तो सबूत रह जाता है ना, बातें से ही इन्होंने आगे बढ़ाया। और इसके अंतर्गत लिफाफे नहीं थे, वाक्य थे, अधूरे वाक्य। क्या थे? अधूरे वाक्य थे, इन्होंने अधूरे वाक्य बताए थे और अधूरे वाक्य को पूरा करके ये इन्होंने अचेतन मन की बातों का पता लगाया। अधूरे वाक्य थे इनके परीक्षण में, और इनके परीक्षण में थे कारणों की संख्या 30 और 1। कभी भी क्वेश्चन में या एग्जाम में आए कि TAT में कारणों की संख्या है, तो TAT में कारणों की संख्या है 30+1। कितने? 30+1। और नेक्स्ट आप चलते हो लियोपाल्ड बेलक के पास, तो इसमें कारणों की संख्या है सर 10। कितने हैं? 10 कारण हैं। और इसमें आप जब जाते हो तो इसमें शब्दों का एक क्रम होता है, एक प्रवाह क्रम होता है, एक रैपिड तरीके से, तीव्र तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको याद दिला दो तो एक मूवी है जॉली LLB 2। जॉली LLB 2 के लास्ट क्लाइमैक्स में आप जब जाओगे, तो जब अक्षय कुमार उस टेररिस्ट से बात कर रहा होता है ना कि पंडित जी चलो आप में और मुझ में कुछ शास्त्रार्थ हो जाए, तो वो शास्त्रार्थ का एक जो उदाहरण है ना, वो फ्री वर्ड एसोसिएशन का एक एग्जाम्पल आप मान सकते हो। मतलब किसी से कंटिन्यूसली और इतनी रैपिड तरीके से क्वेश्चन पूछो, आप ना चाहते हुए भी उस वो है उसके मुंह से सच्चाई निकल जाती है। वो है फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इस विधि से, किस विधि से? इस विधि से बीमार या मानसिक रूप से बीमार, क्या? मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का, बोलो, इलाज किया जाता है। इलाज किया जाता है, इलाज किया जाता है। ओके, कर दिया। थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं इसमें, हरमन रोडसा वाले टेस्ट में, कि IVT किसने दिया था? हरमन रोडसा ने दिया था। कार्डों की संख्या है 10, लेकिन इस कार्डों की संख्या के अंतर्गत इन्होंने 5 कार्ड तो ब्लैक एंड व्हाइट के माने थे। एक सेकंड रुकिए, इसमें कार्डों की संख्या कितनी है? 10 कार्डों की संख्या है। कितने कार्डों की संख्या है? 10 कारणों की संख्या है। और कारणों की संख्या को, अच्छा एक बात मैं बताऊं, यहाँ से आगे का जो एक डिस्कशन है वो अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो अगर आपको यहाँ तक थोड़ा सा भी आपको मिल, इसमें से कुछ सीखने लायक आपको मिला हो, तो इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने सुझाव हमें कमेंटों के द्वारा भेज सकते हैं कि हम हमारे इस पद्धति में क्या सुधार कर सकते हैं, व्हाट कैन वी चेंजेस। ओके ना, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक नमस्कार सर, मिलते रहेंगे।